कुछ तो ऑक्सीजन मिले लोगों को। बिल्कुल, अपनी पंचायत से काम कराना चाहते हैं, ई टेंडरिंग से कराना कि वो तो उतना ही दे रहे हैं जितना दीपेंद्र हुड्डा को, और निर्विरोध चुना था। नमस्कार जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए जी हमारे दोस्तों। मैं सरपंच मोहन बाड़ी, आज सविता हुड्डा का प्रोग्राम था हमारे गाँव में, तो काफी लोग जुड़े और उनका अच्छा स्वागत किया, और तय दल से उन्होंने भी हमारे जो दो चार काम थे उनकी भी होती कि हमारी सरकार आएगी तो वो कराएंगे। सरपंच साहब, क्या माहौल है मोहनबाड़ी में? मोहनबाड़ी में जी ज्यादा कांग्रेस का ही, कांग्रेस का है। हाँ, और आसपास के एरिया में? अब इसमें लोकसभा में तो है कांग्रेस का, विधानसभा का कुछ अलग होगा, विधानसभा का अलग हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है, नहीं होगा ही। क्या कारण है कि दीपेंद्र हुड्डा को? देखो, दीपेंद्र हुड्डा से काफी लगाव है लोगों का, और उसी की वजह से लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं। और अगर ये बदल तो दई सीट अपने गीता भुक्कल की, तो लोग जुड़ सके हैं, इससे काफी लोग कटे हुए हैं। जनता श्रेया को कितना प्यार दे रही है जनता? दीपेंद्र हुड्डा नहीं आने पाए उसकी, वो तो उतना ही दे रहे हैं जितना दीपेंद्र हुड्डा को, उतना ही दे रहे हैं जी। तो क्या उम्मीदें जताई जा रही दीपेंद्र हुड्डा से सांसद बनने के बाद? किन गांव का सुधार कर पाएंगे या नहीं का, जो जिस प्रकार ये बता रहे हैं कि 6000 पेंशन करेंगे? और देखो, मान तो हम यही रहे हैं, इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो रखा है वो उसमें ये खड़े उतरे। एक सबसे बड़ी बात पूछना चाहेंगे, और फिर ये बीजेपी ने किसी भी महकमे की या सरपंचों को या किसानों को बुरी तरह पीटा है, मरे भी हैं। और हम अपनी मांग रख रहे थे गांव में 5 लाख से क्या काम हो सकता है, तो अगर गांव का ये विकास चाहते हैं, गांव को कोई अच्छे वो दिखाना चाहते हैं, तो उसमें सरपंचों को खुला करें। हाँ, कोई पैसे खाता है या कोई गड़बड़ करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, ये अच्छी बात है। मैंने अपने ब्लॉक में, मैं ब्लॉक का प्रधान बना रखा हूँ और निर्विरोध चुना था, तो मैंने अपने ब्लॉक में काफी सरपंचों से संपर्क रोज ही होते हैं। तो जैसे मैं ही चाहता हूँ कि मेरे सब काम ई टेंडरिंग से करो, और मैं खुला बोलता हूँ कि ई टेंडरिंग से मेरे सब काम करो, और पैसे भी ज्यादातर हम अपनी पंचायत से लगा देंगे, हमने सरकार की जरूरत नहीं है। अभी सरकार ही पैसे दे, जो कुछ अपनी इच्छा से देना चाहे उसको तो हम फेंकेंगे नहीं, बाकी हमें अपनी पंचायत से काम कराना चाहते हैं, ई टेंडरिंग से कराना, ई टेंडरिंग से कराना, फिर भी काम नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी नहीं हो रहे मेरे गांव में, जब से गांव बसा है आज तक पानी की बड़ी समस्या है, और मैंने खुद 3.5 लाख रुपए में कुहाड़ गांव में जमीन खरीद के पंचायत के नाम करा दी, लेकिन उसका या पब्लिक अलथाड़ कह देते है कुआ बैठ जाएगा, फलान बहानाबाजी चल रहे है। और एक हफ्ता मुश्किल से हमारी डग्गी निकालती है, और जो क्या अभी डग्गी बनी है वो भी हमारे गांव का, जो पुराना ट्यूबवेल है लुलोर गांव में लगा हुआ है, उसका 2.5 से 3 हजार TDS है, कैसे पिए उस पानी को, आप एक बार पी कर देखो। तो दीपेंद्र हुड्डा जी क्या आस लगा रहे हो आप लोग? यही लगा रहे हैं कि भाई हमारे गांव को तो खास करके पानी मिल जाए, थोड़ा इस पॉल्यूशन का प्रबंध हो जाए, और एक पॉल्यूशन किससे, फैक्ट्रियों से? हाँ जी, एक हम अपने गांव में 2 एकड़ में वाटिका बनाना चाहते हैं, वो वाटिका बन जाए, तो हमारे गांव के आसपास कोई वाटिका नहीं है, उससे पंचायत को इनकम भी होगी और गांव को सहूलियत भी मिलेगी। तो ये प्रदूषण के कारण मतलब आसपास के गांव परेशान हो चुके हैं बहुत ज्यादा। मैंने DC साहब को भी वो दे लिया, प्रदूषण वालों को भी दे लिया, वो पूरी वीडियो बना के, लेकिन कोई असर नहीं, कोई समाधान। क्या कहा है ना समाधान? ये जो एक वो दिया था वो मेरे को पूरा ध्यान नहीं है, उसको क्या बोलते हैं वो, पहले पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल पर सरपंच पहले दस्तक करके दिया करते, वो अब DC के पास पावर है, सरपंचों को नहीं दे रहे। हम DC साहब से कही भी थी तो बोले तुम ये चौधर में पा देना चाहते हो, DC साहब का ये आदेश। तो उन्होंने आश्वासन दिया, माधी चौधर में क्या है, हमारे को इतना पॉल्यूशन है, हम इतने पॉल्यूशन में जी रहे हैं, गांव वाले से पता करके हमने वीडियो दिखाई, तो बीमारी भी होती होंगी, वीडियो फोटो ये दिखाया माधी देखो, तो 2-3 दिन तो पानी छिड़का ही, फिर वो इसी कारण तो बीमारी फैलती होंगी बहुत ज्यादा जी। खाद खुजली तो तकरीबन सब हो रही है, कैंसर और जैसे छोटी मोटी बीमारी किसी को सांस की बहुत ज्यादा हो रही है, होती रहती है। तो इसमें पोल्यूशन से तो आपको पता ही है, पोल्यूशन से क्या हो सकता है। और मैंने अब की बार 1000 पेड़ों का वो किया है कि अभी 1000 पेड़ में लगाऊंगा गांव में अपनी तरफ से। हाँ जी,
1000 पेड़ लोग आवाज़ एक हजार पूरे गांव में मेरी लगाने, पेड़ लगाने चाहिए। हाँ जी मेरी पूरी बनी में मैंने कुछ जमीन तो निकलवा दी है जो दबा रखी थी लोगों ने और कुछ और निकलवाने जा रहा हूँ। मैंने तहसील में दे रखा है मेरा प्रस्ताव कि भी मेरी पंचायत की भूमि की जो दबा रखी है उसको छुड़ाया जाए शुद्ध हवा करने के लिए। हाँ जी उसमें पेड़ कुछ तो ऑक्सीजन मिले लोगों को। बिल्कुल।